क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है तरुनिया वॉ थी टू नो दैट द फुटबॉल टूर्नामेंट इज फिक्सड विद अ मंथली टाइम फ्रेम फ्रॉम ट्वेंटी जुलाई टू ट्वेंटीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप्स हिस्ट्री टू नेशंस होस्ट इन टेन वेन्यूज हर फादर फेल दैट द गेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ द पोजिशन ऑफ प्लेयर्स इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन अ कॉर्डिनेट प्लेन तो देखिए क्वार्डिनेट जियोमेट्री का एक केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें एक स्टोरी बनाया हुआ है जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ये डायग्राम है और नीचे के क्वेश्चन हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंस्टेंस द मिड फील्डर्स एंड फारवर्ड फॉर्म्ड द पेलोलोग्राम इसमें बता रहा है कि किसी समय पे मिड फील्डर और जो फॉरवर्ड है ना वो पेलोलोग्राम बना रहे हैं अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे फाइन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मिड फील्डर डी इफ द पोजिशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फॉर्म्ड द पेलोलोग्राम आर तो यहाँ पे हमको जो सेंट्रल मिडफील्डर डी है उसके पोजीशन को फाइंड आउट करना है और जो बाकी के प्लेयर हैं जो कि इस पेलेग्राम को बना रहे हैं उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स वन टू है बी के फोर थ्री एंड सी सिक्स सिक्स और सी का जो है ना वो सिक्स सिक्स है यहाँ पे फिगर में देखिए ये जो पेलेग्राम बन रहा है ना ए बी सी डी इसी की बात क्वेश्चन में कर रहा है जहाँ पर ए के कॉर्डिनेट्स दिए हुए हैं बी के कॉर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सी के कॉर्डिनेट्स दिए हुए हैं और डी का हमको फाइंड आउट करना है देखिए पेलोग्राम जो है ना ए बी सी डी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं उसको हमको एज्यूम करना होगा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर ए बी अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पेलेलोग्राम के सेंटर ओ पे और हमको मालूम है कि पेलोलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना एक दूसरे को इक्वली बाई करते हैं तो जो पॉइंट ओ है वो बी डी का मिड पॉइंट है और साथ ही साथ ए सी का भी मिड पॉइंट है इसी को यूज करेंगे हम लोग ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए पॉइंट ओ पे ए प्लस फोर बाई टू और बी प्लस थ्री बाई टू मतलब बी डी का जो मिड पॉइंट्स है वो इक्वल होगा ए सी के मिड पॉइंट से जो कि है सिक्स प्लस वन बाई टू और सिक्स प्लस टू बाई टू इसको आगे जाके हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे हमको मिलेगा ए प्लस फोर बाई टू इक्वल टू सिक्स प्लस वन बाई टू तो ए प्लस फोर बाई टू इक्वल टू सेवन बाई टू यहाँ से टू से टू कट जाएगा ते हो जाएगा ए प्लस फोर इक्वल टू सेवन तो एक्वल टू सेवन माइनस फोर इक्वल टू थ्री तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हमको क्या मिला थ्री सिमिलरली बी प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू सिक्स प्लस टू बाई टू ठीक है तो बी प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू एट बाई टू टू वन ज टू टू फोर जा एट इक्वल टू फोर आ गया है तो बी प्लस थ्री इक्वल टू होगा फोर इन टू इक्वल टू एट और बी इक्वल टू होगा एट माइनस थ्री इक्वल टू फाइव ठीक है यहाँ पे हमको ए बी जो कि किडी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको मिला है थ्री एंड फाइव ठीक है यही क्या होगा इसका आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है चेक इफ द गोल कीपर जी जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं माइनस थ्री फाइव स्वीपर एच थ्री वन एंड विंग बेक के जीरो थ्री फाल आना सेम स्टेट लाइन तो यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है जी एच के की बात कर रहा है ना इसकी बात कर रहा है इसको हमको चेक करना है क्या एक ही स्टेट लाइन में है कि जी के आई जो है ना एक स्टेट लाइन में है कि नहीं इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिस्टेंस फार्मूला ये होता है रूट ऑबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जहाँ पे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं पहन सके ठीक है ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है ना तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अब देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब क्या है कि जी के प्लस के एच इक्वल टू क्या होगा जी एच होगा तो इसमें हमको जी के के एच और जी एच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फार्मूला से तो चलिए इसको करते हैं तो देखिए जी के इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टू भार यहाँ पर देखिए एक्स टू जो है ना ज़ीरो है तो जीरो और एक्स वन जो है ना माइनस थ्री है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ज़ीरो प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई टू देखिए थ्री है थ्री और वाई वन जो है ना फाइव है तो थ्री माइनस फाइव का स्क्वायर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू नाइन प्लस फोर जो कि इक्वल हो जाएगा रूट थर्टीन के ठीक है ये हमको क्या मिला जीके का वैल्यू मिल गया अब यहाँ पे के एच देखिए के एच इक्वल टू होगा रूट ओवर सेम रिपीट करेंगे थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री का स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर जो कि सेम रूट थर्टीन आएगा ठीक है इसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है जी एच ये हो जाएगा रूट भर थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव का स्क्वायर आगे जाके सॉल्व करेंगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर ठीक है अभी सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स और माइनस फोर का स्क्वायर होता है फोर फोजा सिक्सटीन इसको सम करेंगे तो सिक्स सिक्स ट्वेल्व कैरी हुआ वन थ्री वन फोर फाइव ये फिफ्टी टू आ गया और फिफ्टी टू को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में फोर इंटू थर्टीन तो फोर का रूट कितना होता है टू होता है तो टू रूट थर्टीन हो गया ठीक अब देखिए ये जो वैल्यू सबको मिले हैं ना उससे क्या पता चल रहा है कि ये जी के प्लस के एच इक्वल टू रूट थर्टीन प्लस रूट थर्टीन जो कि होता है टू रूट थर्टीन के ठीक है ये मिल गया हम लोगों को और जो किसके इक्वल है ये इक्वल है जी एच के इसका मतलब क्या हो गया कि अप्रूव्ड हो गया कि जी के एच जो है ना वो एक स्टेट लाइन में हैं तो इसके आंसर हम लिखेंगे यस जी के एच आर इन अ स्ट्रेट लाइन है ना इसको आखिरी में आंसर में हमको लिख देना है सेकेंड का आर है चेक इफ द फुल बेक जे फाइव माइनस थ्री एंड सेंटर बेक आई माइनस फोर सिक्स आर इक्विज डिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड सी जीरो वन एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि सी जो है ना मिड पॉइंट है क्या आई जे का यहाँ पे देखिए आई जे का पोजिशन जो है ना ये दिया हुआ है ए आई और जे है सी के कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन में जीरो वन ठीक है इसको हमको चेक करना है कि जो डिस्टेंस है जे सी वो इक्वल है कि नहीं सी आई के मतलब सी पॉइंट जो है ना जे से और आई से इक्वी डिस्टेंट है कि नहीं तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए जे सी इक्वल टू होगा रूट ओवर जीरो माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर है ना क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है उसके बाद फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो गया और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया इसको सम करेंगे तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन के रि हुआ वन और टू प्लस वन थ्री और प्लस वन फोर तो ये रूट ओवर फोर्टी वन हो गया ठीक है इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे सी आई तो सी आई के लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे माइनस फोर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर ठीक है ते भी सेम ऊपर वाला जैसे हो रहा है ते फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो गया ते हो गया रूट ओवर फोर्टी वन अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पता चला कि जैसे इक्वल टू सी आई और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सी जो है ना वो इक्वी है कहाँ से जे से और आई से इसको हमको आंसर में लिखना है फुल बेग जे फाइव माइनस थ्री एंड सेंटर बेग आई माइनस फोर सिक्स आर इक्विट स्टेंड फ्राम फारवर्ड सी जीरो वन अब देखिए इसमें एक चीज़ को और चेक करना है कि जो पॉइंट सी है ना वो मिड पॉइंट है कि नहीं जे और आई का ठीक है तो इसको चेक करते हैं तो देखिए हमको मालूम है कि जे के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं फाइव माइनस थ्री और आई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं फोर सिक्स और इसका मिड पॉइंट सी है तो सी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा फाइव माइनस फोर बाई टू और माइनस थ्री प्लस सिक्स बाई टू ठीक तो हो गया देखिए वन बाई टू और थ्री बाई टू तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला वन बाई टू थ्री बाई टू मिला लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है जीरो वन तो इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे कि मिड पॉइंट आप जे आई इक्वल टू वन बाई टू थ्री बाई टू सो सी इज नाट द मिड पॉइंट ऑफ जे आई जे आई और आई जे में कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों का दोनों जो है ना वो सेम है इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है ई डिफेंसिव मिड ए वन फोर अटैकिंग मिड बी टू माइनस थ्री एंड स्ट्राइकर ई ए बी लाई एन द सेम स्ट्रेट लाइन इसमें बता रहे कि जो डिफेंसिव मिड ए है जिसका कॉर्डिनेट वन फोर है अटैकिंग बी टू माइनस थ्री और जो स्ट्राइकर ई है ना उसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है एंड बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ई फाइंड द पोजिशन ऑफ ई और इसमें बोल रहा है कि जो बी है ना वो ए और ई e से समान दूरी पे है इक्वी डिस्टेंट पे है तो हमको जो ई e का पोजिशन है ना उसको हमको फाइंड आउट करना है मानी ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी उसको हमको फाइंड आउट करना है फिगर में देखें तो यहां पे देखिए ए बी और ई के बारे में बताया हुआ है लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फिगर में जो चीज़ है ना वो चीज़ क्वेश्चन में अलग ढंग से पूछ रहा है कि ए बी और ई e जो है ना एक ही स्टेट लाइन में है ए बी एंड ई लाई ऑन द सेम स्टेट लाइन एंड बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए एंड ई और जो पॉइंट बी है वो ए से और ई e से इक्वी डिस्टेंस मैंने समान दूरी पे है इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट बी है ना वो मिड पॉइंट होगा जो लाइन है ए ई उसका ठीक है अब देखिए इसमें लिखेंगे कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जैसे कि हम समझ चुके हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वन फोर बी के दिए हुए हैं टू माइनस थ्री और ई दिया हुआ है ए बी अब चूंकि बी मिड पॉइंट है तो ए के कोऑर्डिनेट्स और ई e के कोऑर्डिनेट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो बी होगा इसी को यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा टू फोर प्लस बी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री ठीक आगे जाके सॉल्व करेंगे तो वन प्लस ए इक्वल टू 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 या फोर तो इसलिए ए इक्वल टू होगा फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री ठीक है तो ए का वैल्यू हमको थ्री मिला सिमिलरली फोर प्लस बी इक्वल टू माइनस थ्री इंटू टू इक्वल टू माइनस सिक्स और बी इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस टेन ठीक है तो जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी उसका वैल्यू हमको मिल चुका है ए है थ्री माइनस टेन यही क्या होगा इसका आंसर होगा